आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, कार्बोरंडम बनाने के लिए सिलिका को उच्च ताप पर किस पदार्थ के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि सिलिका को किस पदार्थ के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं कि कार्बोरंडम पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, पहला विकल्प है सी कार्बन, दूसरा सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा सीएसयू थ्री कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बोरंडम की। ये क्या है हमारा दोस्तों, सिलिकन कार्बाइड को ही कार्बोरंडम कहते हैं, जो कि यहाँ पे देखेंगे हम कि पूछा जा रहा है सिलिका। ठीक है, सिलिका तो है ही, इसमें SiO2 ये हमारा सिलिका हो गया। इसे जब हम कार्बन के साथ एक उच्च ताप पर, ठीक है, उच्च ताप मान लेते हैं 200 केल्विन पे गर्म करते हैं। ठीक है, 200 केल्विन पे इसे गर्म किया जाए तो ये हमें कार्बोरंडम SiC सिलिकन कार्बाइड और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदान करता है। जब इसे संतुलित करेंगे तो ये 3C हो जाएगा और ये 2C होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, कार्बोरंडम, ठीक है, जो कि सिलिकन कार्बाइड को कहते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड और ये है हमारा कार्बन और ये सिलिकन सिलिका कह सकते हैं इसे, या सिलिकन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिका। तो दोस्तों यहाँ इस अभिक्रिया में हमने देखा कि जब सिलिका को कार्बन के साथ एक उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो सिलिकन कार्बाइड जो कि कार्बोरंडम है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा पहला विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, कार्बन तत्व। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।